हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में हम एक नए चैप्टर के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम दिया हुआ है एस ब्लॉक, राइट। अब ये चैप्टर के बारे में ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपने पहले पढ़ चुके हो, आपके 10th स्टैंडर्ड में आपका एक चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यस। तो ये चैप्टर में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आपका पीरियोडिक टेबल कैसा था, फिर उसके बाद आपका उसके पहले जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था उसके बारे में आपने पढ़ चुके हो, फिर उसके बाद हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी डिस्कशन किया था, उसके बारे में भी आप डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि आपका ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, सिंपल सा मैंने आपको एक रफ डायग्राम निकाला हुआ है, एग्जैक्टली वैसा सेम तो नहीं हो सकता बट 99% ये वाला डायग्राम आपका मैच करेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने चार्ट निकाला हुआ है, ये जो मैंने टेबल निकाला हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यस। तो ये आ गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा था टोटल चार ब्लॉक्स के बारे में। कितने ब्लॉक्स के बारे में? चार ब्लॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, करेक्ट। ये वाला जो आपका ब्लॉक रहेगा इस तरफ, ये आपका बनेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये आपका बनेगा राइट हैंड साइड, करेक्ट। ये वाला बनेगा आपका मिडल पोर्शन, इतना पोर्शन ये आपका, ठीक है, और नीचे वाला बन जाएगा आपका बॉटम पोर्शन, करेक्ट। अब मैंने आपको बताया था LHS के अंदर, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, जिसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने शेड करके रखा हुआ है, करेक्ट। तो ये कौन सा ब्लॉक बनेगा स्टूडेंट्स? ये आपका बनेगा S ब्लॉक, ठीक है। राइट हैंड साइड में आप जो देख पा रहे हो इतना पार्ट, ये आपका बनेगा P ब्लॉक, करेक्ट। फिर इसके बाद बीच वाला जो पोर्शन आपका बाकी बचा हुआ है, ये कौन सा रहेगा? डी ब्लॉक रहेगा। और नीचे जो आपको दिया हुआ है मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे वाला जो सेक्शन आप देख पा रहे हो, ये वाला बनेगा आपका एफ ब्लॉक। सो इस तरीके से हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को चार ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया था, एस, पी, डी और एफ, करेक्ट। बट इन दिस सेशन आपके इस पूरे थ्रू आउट द चैप्टर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कौन से ब्लॉक के बारे में डिस्कस करना है? एस ब्लॉक के बारे में हमें यहां पे डिस्कस करना है। मतलब जितने पार्ट को मैंने पोर्शन किया, सॉरी जितने पार्ट को मैंने यहां पे डार्क शेड करके रखा हुआ है, इतने ही पार्ट के बारे में आपको यहां पे डिस्कस करना है, व्हिच इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक। तो अब हम जानेंगे छोटी छोटी बातों के बारे में, एस ब्लॉक के अंदर क्या चीजें होती है, एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एस ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, क्या चीजें होती है, इसके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट करके मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। सबसे पहला, सो एस ब्लॉक इज जनरली प्रेजेंट, सो दैट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स कहां पे प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, करेक्ट। तो ये वाला आपका जो पोर्शन आप यहां पे देख पा रहे हो, ये पूरा पोर्शन कौन सा बनेगा? दैट इज एस ब्लॉक, क्लियर। तो यहां पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब यहां पे कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक के अंदर क्यों जा रहा है? जैसे मुझे बताओ, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, एस ब्लॉक के अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स आपके एस ब्लॉक में क्यों जा रहे हैं? वो पी ब्लॉक में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? वो डी वाले में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? या फिर आपके एफ वाले में क्यों नहीं जा पा रहे? सो देयर इज सम काइंड ऑफ अ रीजन कि जिसकी वजह से आपके जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स आपके सिर्फ एस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना। तो यहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स इन विच, ध्यान से समझना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आ गई बात समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट्स इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस ऑर्बिटल, एग्जैक्टली, आ गई बात समझ में? तो जब आपके कोई भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ऑब्जर्व करना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ऑब्जर्व करना होता है, एंड इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके एस ऑर्बिटल में एंटर होता है, सो वी कैन सी दैट द एलिमेंट एंटर्स इनटू द एस ब्लॉक, एग्जैक्टली, बात समझ में आ गई? जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, मान लो हमने एक सिंपल से एग्जाम्पल लिया हुआ है सोडियम का, इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है सोडियम का, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बनेगा 11, एग्जैक्टली, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 11।
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, ठीक है। अब ये तो हम लोग ने पढ़ा हुआ तो है नहीं, बट फिर भी इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले। इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ बाउस प्रिंसिपल। ऑफ बाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहा हूँ ये आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आने वाला तो है नहीं, ठीक है। बट इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे अगले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2, यहाँ पे आ जाएगा 2s2, यहाँ पे आ जाएगा 2p6, यहाँ पे आ जाएगा 3s1। Exactly. तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके ऑफ बाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जा रहा है स्टूडेंट्स? तो एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसी वजह से सोडियम बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक। एग्जैक्टली, बात समझ में आ गई। तो आपको बस यहां पे चेक करना है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाता है। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो दैट मींस द एलिमेंट बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक, क्लियर। अगर आपका वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो आपका एलिमेंट डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा, और सिमिलरली आपका एफ ब्लॉक के लिए भी आप लोग कर सकते हो। स्टार्ट लिया। सो आई होप यहां पे आपके दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। सो एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहां पे आपका नाम आ जाएगा ग्रुप वन, एंड आपका दूसरा नाम आ जाएगा ग्रुप टू। एग्जैक्ट लिया। तो आपके एस ब्लॉक के अंदर आपके दो ग्रुप्स आएंगे, सबसे पहला होगा ग्रुप वन एंड सेकेंड होगा आपका ग्रुप टू, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां पर बायफर्गेट करके बता रहा हूं, इस तरीके से ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपका ग्रुप वन है, और ये वाला जो आपका पूरा पोर्शन है ये आपका ग्रुप टू होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। ग्रुप मतलब कैसा होता है? वर्टिकल ऐसा होगा, ठीक है। ये आपका ग्रुप हो गया, और ऐसे ये जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं, क्लियर। आगे बात समझ में आता, ठीक है। अब ग्रुप वन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, वेरस ग्रुप टू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा। सो आई होप आपने वहां पे पॉज करके आप इसको बाद में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे जानेंगे ग्रुप वन के अंदर और ग्रुप टू के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो मैं यहाँ पे दो कॉलम्स बना लू, ये बन जाएगा ग्रुप वन के लिए और ये बन जाएगा आपके ग्रुप टू के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ग्रुप वन और ग्रुप टू के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप वन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं तो जरा ध्यान से देखना। ग्रुप वन को हम 1a इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा रोमन नंबर्स में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ग्रुप वन को हमने लिखा हुआ है ग्रुप 1a, वेयरएज ग्रुप टू को हम कैसे लिखेंगे? सो यहां पर आ जाएगा आपका ग्रुप 2a। एग्जैक्टली, सो यहां पे आ जाएगा 1a और यहां पे आ जाएगा आपका 2a, ठीक है। नाउ ग्रुप 1 के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स आते हैं, यहां से लेके यहां तक जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे, ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स होंगे? दिस ऑल आर द अल्कलाई मेटल्स। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या क्या फॉर्मेशन कर सकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? अल्कलाई मेटल्स। वेरस ग्रुप टू के अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एग्जैक्टली, बात समझ में आ गई। तो ये बन जाएगा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब आपके जो अर्थ क्रस्ट में से आपके जो एलिमेंट मिलते हैं आप उसको बोलते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्लियर। अर्थ मेटल इसलिए आपको नाम दिया हुआ है, ठीक है। एक और बात के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रुप वन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हर एक एलिमेंट का जो वैलेंसी होगा वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? वन होता है, ठीक है। वेरस ग्रुप टू के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना होगा? तो यहां पे आपका टू रहेगा। इसका वैलेंसी वन होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप डिसाइड कर सकते हो। अब ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा सर के ऊपर से जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम दो, सारी चीजें आप एक ही वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते, तो इसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप यहां पर लिख सकते हो +1, क्योंकि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। एस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे मेटल्स होते हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ है मेटल्स, यहां पे भी लिखा हुआ है मेटल, तो मेटल्स हैव द टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसी वजह से इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? +1। वेयर इज इसकी वैलेंसी दो होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या दे सकते हो? तो
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है स्टूडेंट्स +2। क्लियर, आ गई बात समझ में। एग्जाम्पल देने की बात अगर रही तो यहां पे भी एग्जाम्पल दे सकते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगे, फर्स्ट वाले ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। वैसे अगर इसकी एग्जाम्पल देने की बात आ गई तो यहां पे कौन सा दे सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड एक्सेट्रा। ठीक है, बेरियम, रेडियम, ये सारे आपके एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो सो फार आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमने एस ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया, हमने एस ब्लॉक के डेफिनेशन के बारे में देखा, एज वेल एज हमने एस ब्लॉक को दो ग्रुप्स में बायफर्गेट करके हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अगले वीडियो सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसके रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायगोनल रिलेशन, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पे खत्म कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।